नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा मिला। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं वो है पटना का मोइनुल हक स्टेडियम। इसे अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मोइनुल हक स्टेडियम बनेगा, जहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मैचेस हैं वो होंगे। दरअसल BCCI को अब ये जो मोइनुल हक स्टेडियम है उसे सौंप दिया गया है, एक करार किया गया है BCCI के साथ, जिसको लेकर के अब इस पूरे स्टेडियम का निर्माण जो है वो BCCI करेगी और ऐसे में बड़े स्तर का पूरा स्टेडियम बन करके तैयार होगा। एक बार हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि वो आपको तस्वीरें दिखाए। ये पटना का मोइनुल हक स्टेडियम, इसको लेकर के कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं कि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में ऐसा कोई भी स्टेडियम नहीं है जहाँ पर जो खेल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो यहाँ पर खेले जाए। इसके अलावा हर बार ये सवाल उठता रहा है कि आखिर जो बच्चे बिहार के होते हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है खेल खेलने के लिए, लेकिन अब जो बिहार के बच्चे हैं वो बिहार में ही खेल में अगर वो रुचि रखते हैं या फिर खेलते हैं तो यहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो जाएगा। और आज एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जहां पर MOU साइन किया गया, क्योंकि BCCI द्वारा अब इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार गवर्नमेंट ने इसको BCCI को सौंप दिया है और ऐसे में बहुत जल्द ही इसे बनाकर तैयार किया जाएगा। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भी इस मौके पर मौजूद थे, नगर विकास मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद थे। और ऐसे में इस मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर के जहां काफ़ी समय से बातें चल रही थी कि इसे बना करके तैयार किया जाएगा, तो अब ऐसे में मोइनुल हक स्टेडियम की जो फिलहाल दशा और दिशा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। और बिहार के लोगों के लिए ये खुशखबरी है और बड़ा दिन है। क्या अपराध आदरणीय राकेश तिवारी जी को इस काम के लिए हम लोग अपनी ओर से तहे दिल से सलाम। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आप सुनिए। ये ऐतिहासिक दिन है और खेल जगत के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में करोड़ों बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लिए एक आधुनिक स्टेडियम बनाने का काम BCCI के द्वारा और लगभग क्योंकि सरकार राशि दे रही है, सरकार ने एक स्टेडियम नालंदा में बनाया, आगे भी बनाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि खेल जगत को, क्योंकि क्रिकेट खिलाने का काम या तो BCA का काम है या BCCI का है, तो हम लोग चाहते हैं कि BCCI इसको आधुनिक तौर पर बनाए, इस पूरे खेल जगत को आगे हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर स्पष्ट है कि पहला 7 साल तक हम 1 रुपये के लीज पर BCCI को जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, उसके बाद लगभग जो 23 साल का और लीज होगा उसमें जो रेवेन्यू आएगा उसका 50% बिहार सरकार को मिलेगा और 50% BCCI और BCA को मिलेगा, क्योंकि खेल को बढ़ाना है, हमारी राशि नहीं लग रही है बनाने में, बनाने का काम BCA के द्वारा BCCI के द्वारा हो, इसलिए खेल जगत को बढ़ावा मिलेगा। सर आपने एक और चीज बताया संबोधन के दौरान कि टेनिस कोर्ट्स होंगे, ये सब स्वाभाविक है, इसमें इंडोर स्टेडियम्स भी होंगे, हॉट होटल भी होगा, खेल के भी जगत के और चीजें जुड़े भी होंगे। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी CM क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आप। ऐतिहासिक क्षण है, हमारी शुभकामना बधाई है बिहार की प्रतिभाओं के सम्मान के लिए। सर क्या करा, डिटेल में बता देंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं, बिहार के दोनों ही डिप्टी CM मोइनुल हक स्टेडियम को अब BCCI हैंडओवर ले रही है और ऐसे में इसका निर्माण जो है वो बड़े तौर पर किया जाएगा और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मैचेस जो है फिलहाल यहाँ पर खेले जाएंगे, तो बिहार के लिए एक बड़ा दिन। आपके सहयोगी रवि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।